फ्रेंड, दिस इज नम्रता एंड यू वॉचिंग माई चैनल हुनर। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जो कि है डाई कट मशीन का। और ये डाई कट मशीन आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए इतनी यूजफुल होने वाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको हम देखते हैं कैसे यूज होगा, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये लिटिल बर्ड कंपनी का है। ये डाई कट मशीन लिटिल बर्ड कंपनी का है। आप जो है अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। और अगर आपके शहर में आपके आपके आसपास अगर इट्सी बिट्सी का स्टोर है तो आप ये वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका मटेरियल निकालती हूँ, इसमें क्या क्या है इसकी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। आप ही के सामने मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये मैंने इसकी मशीन निकाली। ये देखिए, ये होती है इसकी मशीन। ये देखिए इसकी मशीन, ये देखिए इसमें लिखा होता है ड्रीम कट। ओके, इधर लिखा हुआ होता है। अब ये चलती कैसे, इस साइड में एक हैंडल लगा होता है और ये ऐसे चलती है। ये जो है हाथ से चलती है, इसमें कोई आपको इलेक्ट्रिक नहीं यूज करना है, कुछ नहीं यूज करना है। ये पूरी जो है हैंड, देखा आपने, सो ऐसे हम खुद से चला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं साइड में रखती हूँ। और इसके साथ हमें मिलती हैं तीन प्लेटें। ये देखिए, एक ये प्लेट है, ये प्लेट ए है। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। ये देखिए, ये पूरा इसके अंदर एक जो है आपको पूरा आपका डेमो पेपर मिलता है कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक ये चीज है आपके साथ मिलती है। इसके बाद जो है आपको दो प्लेट और मिलती है, एक प्लेट बी मिलती है और एक प्लेट सी मिलती है। ये मेरी यूज्ड है प्लेट बी। तो जो ये वाली है इसके अंदर आपको दो प्लेट भी मिलती है, क्योंकि यूज करते करते निशान पड़ जाते हैं, तो इसके आपको जो है दो प्लेट भी मिलती है। अब हमें तीनों प्लेट यूज करनी पड़ती है, इसमें ए बी सी तीनों प्लेट यूज करनी पड़ती है। और इसके साथ हमें मिलते हैं, ये देखिए, इसके जो है हमें डाई कट्स मिलते हैं। इसी शेप में हम काट सकते हैं। ये देखिए, ये है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये मैंने रख रखे हैं। ये देखिए, ये डाई कट आपको ये मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, लीफ का है डाई कट, ये आपको इसके साथ मिलते हैं ये। बट आपको डाई कट इसके साथ नहीं मिलेंगे, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। आपको मशीन के साथ डाई कट नहीं मिलेगा, आपको अलग से ये जो है खरीदना पड़ेगा डाई कट। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इट्सी बिट्सी स्टोर पे जाके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आपके अगल बगल स्टोर है तो आप वहां मंगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। ये तो इसके साथ का हो गया मटेरियल, अब हम देखते हैं कि हम इसके साथ यूज कैसे करते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं। चलिए हम इसको यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लेट ए है, ये हमने प्लेट ए ली। इसके बाद हमें क्या करना है, प्लेट बी, प्लेट बी को मैंने रखा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने रखा पेपर। अब हमें क्या करना है, पेपर के ऊपर हमें डाई रखने हैं। मैं पहले फ्लावर डाई यूज कर रही हूँ, फ्लावर्स जो है बनाने हैं। एक फ्लावर के कई डाई होते हैं, बड़ा छोटा, तो मैं जो है उस हिसाब से डाई रख रही हूँ। और देखिए डाई रखना कैसे है, एक तरफ देखिए प्लेन होता है और एक तरफ देखिए ये पॉइंटेड होता है। तो हमें जो है पॉइंटेड की साइड हमें ऐसे रख देना है, प्लेन ऊपर की साइड रहेगा। ये मैंने रखा, और एक मिनट मैं थोड़ा सा मशीन को साइड में रख देती हूँ। ये देखिए, तब आप लोगों को आसानी से ये दिखेगा। मैंने ये रखा, इसके बाद इससे छोटा रखा, इससे छोटा, इससे छोटा। ये देखिए, एक साथ आप पेपर बचाना चाहे तो आप कई डाइस का यूज कर सकते हैं। और ये देखिए सबसे छोटा। अब मुझे क्या है, मुझे जो है, ये देखिए मेरे पास जो है
जो हम टैग्स यूज करते हैं या जो है हम सेंटिमेंट्स अपने लिखते हैं उसके भी मेरे पास डाई कट हैं। तो मैंने ये रख दिया, देखिए ये रख दिया, और एक जो है मैंने एक स्क्वायर आ रहा है ये देखिए ऐसे, और देखिए इसमें भी प्लेन साइड जो है ऊपर है और जो पॉइंटेड साइड है वो नीचे है। मैं इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेट सी को रखेंगे। प्लेट सी को रखने के बाद जो है अब हमारा काम आता है इसको कटिंग कैसे करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने डाई कट मशीन लिया और सिंपल ये हैंडल से चलाना है। तो हमने क्या करना है, इसको उठा के हम ये देखिए इसके अंदर जो है फिट कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर मैं मशीन उठा रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर हम फिट कर देंगे इसको। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हैंडल को चलाते जाएंगे। ये देखिए हमने ये पुश किया और ये देखिए हमने जो है इसको हैंडल को, मैं थोड़ा इस साइड रख लेती हूँ, अब देखिए इसको टाइटली हैंडल से चलाते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा आपको हाथ जो है अच्छे से फोर्स देके चलाना पड़ेगा क्योंकि ये टाइट हो जाता है। इसको हमने पकड़ा और फिर ये देखिए, ये देखिए ये हमने चलाया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमें रिवर्स में चलाना है। ये देखिए इसको हमें रिवर्स में पूरा चलाना है। ये देखिए पूरा हमारा चल गया और मैंने इसको लगा दिया। अब हम मशीन साइड में रख देंगे, अब देखते हैं कटिंग हुई कि नहीं हुई। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम प्लेट सी हटाते हैं, इसके बाद अपने डाई हटाते हैं। देखिए ये देखिए, वाओ देखिए कितना खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पे मेरा फोर्स कम रह गया था तो मैं इसको सीजर से निकाल लेती हूँ। बस आपको ये है कि फोर्स काफी अच्छे से लगाना। ये मैं सीजर से निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है फ्लावर कट के आ गया है। और मैं आपको सारे फ्लावर इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थर्ड, ये देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मैंने इधर रख दिया। और देखिए ये वो है जो मैंने सेंटिमेंट्स लिखने के लिए टैग यूज किए थे। ये देखिए, ये देखिए आराम से ये कट गए हैं। इसको आप कहीं भी इस पे सेंटिमेंट्स लिख के आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया कटिंग प्रोसेस। अब देखिए हम इसको फ्लावर कैसे बनाएंगे। ये मेरे पास इतने पीस आ गए हैं, अब देखिए हम इसको फ्लावर कैसे बनाएंगे। हमने ये फेविकोल लिया, अब देखिए ये हमारा सबसे बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा जो है ये देखिए ये हमने सारे ऐसे कर लिए। ये देखिए उसके बाद हमें सारे ऐसे ही कर लेने। ये देखिए आप देखिए सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा वाला लिया, इसके बीच में मैंने ग्लू लगाया, इसके बाद मैंने जो है ये इससे छोटा पेस्ट किया बीच में, देखिए उसके बाद फिर ग्लू लगाया, देन उससे छोटा बीच में आपको करना है, देन आफ्टर उससे छोटा। ये देखिए इसके बीच में और ये मैंने ग्लू लगाया और ये इससे छोटा। ये देखिए अब आपने क्या करना है, ऐसा कोई पॉइंटेड लेना है आपको, पॉइंटेड लेके और इसको बीच से ऐसे करके आपको ये दबा देना है। ये देखिए, ये देखिए और आपके ये फ्लावर्स जो है रेडी हो गए।
थोड़ा सा आप जो है लीफ को टिल्ट करिए जहां जहां आपको टिल्ट करने का है। ये देखिए, ये बहुत ही आसान है और बच्चे तो इसको स्पेशली बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक हमारा ये, इसके बीच में हम चाहे तो पर्ल लगा सकते हैं, चाहे कुछ लगा सकते हैं। एक देखिए मैंने ये रेडी किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम कार्ड बना सकते हैं इसका, या हमको कुछ मदर्स डे है या कुछ है अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ये डोली है और साइड में देखिए मैंने यहाँ पे अब देखिए ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए ये फ्लावर लगाया, देन ये देखिए ये लगाया। अब देखिए क्या करना है, इसी डाई कट से ये देखिए मैंने लीफ कट कर ली है। मेरे पास अभी ग्रीन कलर नहीं था तो मैंने उससे नहीं काटा, मैंने दूसरा कलर लिया है। अब देखिए ये जो है ये मैंने ये लिया, यहां लगाया इसके नीचे, ये देखिए ये, एंड ये देखिए मैंने इस वाले को यहां लगाया और इसको जो है यहां पे मैं लगा दे रही हूं। ये देखिए थोड़ा सा इसको 3D लुक दे रही हूं। ये देखिए ये आपका एक खूबसूरत सा ये रेडी हो गया। अब चाहे तो आप इसको किसी भी गिफ्ट बॉक्स पे लगा सकते हैं, कार्ड पे लगा सकते हैं, या आप जो है इसको वॉल पीस बना सकते हैं, कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो मेरे पास पेपर था जो मैंने यूज कर लिया। आप प्लेन पेपर भी बना सकते हैं, कार्ड भी बना सकते हैं, कुछ भी आप इसका यूज कर सकते हैं ये डाई कट मशीन से आप कटिंग करके। और आप जितनी वेराइटी की आप जो है डाई कट लेते जाएंगे उतना ही आपको आसान होता जाएगा आपके क्राफ्ट में। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो था। और अगर आप लोग चाहते हैं ये लेना फटाफट, तो आप लोग अभी इट्सी बिट्सी पे डिस्काउंट चल रहा है, आप उसको ले सकते हैं आराम से। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब सीधे करना है कि मेरे जो है वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं। तो ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो लेके मैं आती रहूंगी, तब तक के लिए नम्रता को बाय बाय।